दरोगा की लापरवाही थाने आई फरियादी महिला के लिए जिंदगी की जंग लड़ने का सबब बन गई है। सरकारी पिस्टल लोड करने के दौरान दरोगा से चली गोली सामने खड़ी फरियादी महिला की कनपट्टी पर जा लगी। इसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसएसपी ने दरोगा को निलंबित करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है। घटना में सोचने की बात यह है कि थाने के अंदर यह घटना हुई और इसके बाद भी आरोपी दरोगा भागने में कामयाब हो गया। गोली चलने और महिला को लगने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला यूपी के अलीगढ़ जिले का है। यहां की ऊपरकोट कोतवाली में एक स्थानीय महिला उमराह यात्रा के लिए अपने पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराने पहुंची थी। महिला और साथ पहुंचा युवक अभी बात ही कर रहे थे कि कोतवाली क्षेत्र में भूतपुरा चौकी के इंचार्ज मनोज कुमार वहां पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एक सिपाही दरोगा को सरकारी पिस्टल लाकर देता है, जिसके बाद दरोगा उसे लोड करने लगता है। तभी अचानक गोली चल जाती है, जो सामने खड़ी महिला के कनपट्टी पर जा लगती है। इस घटना को लेकर महिला के परिजनों में काफी आक्रोश है। यह लोग हंगामा करते हुए दरोगा के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। महिला को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी कलानिधि नैथानी भारी फोर्स सहित कोतवाली पहुंचे और घटना की जानकारी प्राप्त की। परिजनों के गुस्से को देखते हुए एसएसपी ने कहा है कि तहरीर के आधार पर दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।